हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जेंट स्वेटर का डिज़ाइन है ये, लेकिन इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे दिखता है और बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। ये 18 सिलाइयों का डिज़ाइन है और जिनको हमने बार बार आगे रिपीट करना है। और इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए वो 10 के गुणा में फंदे चाहिए, हमें 10 के मल्टीपल में हमें फंदे चाहिए, और उसके अलावा हमें उसमें 4 फंदे और डालने हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इनको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डाले हैं ये 24 फंदे, 10 के मल्टीपल में दो फंदे, मतलब दो उस तरीके से 20, और 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखने हैं, वो फंदे मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो अब हमने पहली सिलाई कैसे करनी है, बॉर्डर के बाद आप बॉर्डर अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी बना लें, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर पहला फंदा हम यहाँ पर स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा जो है वो अपनी तरफ करेंगे, और एक फंदा यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया, फिर धागा हमने पीछे करना है और यहाँ से 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागे को हम अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर, और अगले जो दो फंदे हैं फ्रेंड्स, उनको हमने इस तरह से सिलाई पे लेना है। फिर इनको दूसरी सिलाई पे ऐसे लेते हुए, ये धागा जो है इससे हमने यहाँ पर जाली भी डालनी है और इन दो फंदों का एक करना है पिछली साइड से बुनते हुए, इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ भी गया और यहाँ पे एक फंदा हमारा घट भी गया। अब फिर से हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, और जैसे हमने इन दो फंदों का एक किया था, सेम उसी तरीके से फिर से एक करना है। तो इस तरह से उठाएँ आप इन फंदों को ऐसे करते हुए, फिर से ये लेफ़्ट वाली सिलाई भी ऐसे लेते हुए, बैक साइड से इस तरह से करते हुए इस तरीके से बनाना है, और इससे हमने जाली डालनी है ऐसे करके। एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा यहाँ पे कम हो गया, जो कम हुआ था वो जाली से हमारा फंदा पूरा हो गया। तो ये जो हमने यहाँ तक बुना है, इसी को हमने बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे उल्टा फंदा बुना था, उसके बाद 5 सीधे थे, और यहाँ पे 2-4 फंदों को का 2 बनाते हुए एक एक हमने जाली डाली है। दो दो फंदों को एक साथ बुनते हुए एक एक जाली उनके साथ हमने डालनी है, तो एक फंदा बढ़ भी जाएगा और हमारी डिज़ाइन भी यहाँ पर बन जाएगी। अब धागा अपनी तरफ करना है और आगे एक फंदा यहाँ पर उल्टा, अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक फंदा उल्टा, और उसके बाद फिर वही 5 फंदे सीधे। बस इसी तरह से हमने ऐसे ही बुनते चले जाना है, 2, 3, 4 और ये यहाँ पर 5 फंदे हो गए हमारे। अब 5 के बाद हमने यहाँ पे जालियाँ डाली थी, एक धागा अपनी तरफ को किया, फिर अगले दो फंदों को हमने इस तरह से सिलाई पर लेते हुए इनको, आप चाहें फ्रेंड तो इस धागे को आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से जाली यहाँ पे बना सकते हैं तो ऐसे यानोबर इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से जाली डालती हूँ। ये देखिए, मैंने इनको अभी पलट लिया था, तो इन दोनों को इकट्ठा बुनते हुए और ऐसे जाली भी डल जाएगी हमारी, यहाँ पर फंदा भी बढ़ जाएगा और एक फंदा कम भी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से धागा अपनी तरफ करते हुए, फिर इन दोनों फंदों को हमने यहाँ पर फिर से इकट्ठा बुनते हुए यहाँ पर जाली डाल दी, ठीक है। उसके बाद एक फंदा आगे उल्टा, ये हमारे डिज़ाइन का फंदा है, और उसके बाद ये लास्ट के दो फंदे, और ये स्टिच हमारा। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे हमारी सारी सिलाई जो है उल्टी ही जाएगी, सारी सिलाई हमने यहाँ पे इस तरीके से उल्टी ही बुननी है, इस तरह से पर्ल स्टिच ही यहाँ पर सारी सिलाई में बुनने हैं। और जितना भी डिज़ाइन पूरी स्वेटर में जो भी उल्टी सिलाई आएगी, उसमें हमारे सारे पर्ल स्टिच ही बनेंगे, इस तरह से उल्टी सिलाई ही हमारी बनेगी।
तो आप जो भी सिलाई आपकी उल्टी आए आप इस तरीके से कर लें उसको, और फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। अब यहाँ पर देखिए उल्टी सिलाई हमारी सारी ख़त्म होगी फ्रेंड्स। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए फिर से, और इसकी तीसरी सिलाई पे। तो हमारा ए स्टिच इसको हमने ऐसे उतार लिया, उसके बाद धागा आगे किया। एक फंदा हमने उल्टा बुना था उसको ऐसे ही उल्टा बुनना है, यहाँ पे एक फंदा उल्टा, उसके बाद धागा पीछे। अब फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ पे पांच फंदे सीधे बुने थे पिछली सिलाई पे, और यहाँ पर अब हम बुनेंगे चार फंदे सीधे। तो ये एक दो तीन और ये चार, इस तरीके से चार फंदे सीधे हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे ये पहले इस तरह से आए थे, जो अगले फंदे हमने यहाँ पे जिनको घटाया था जाली डाली थी, अब हम इस फंदे के साथ जाली डालेंगे। तो धागा आगे करेंगे अपनी तरफ को, और इस फंदे को ऐसे ले, इन दोनों फंदों को इस सिलाई पे लेते हुए इस तरह से बैक साइड से, बैक लूप से हमने इनको बुनना है। ये देखिए ऐसे जाली डालते हुए फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको भी हम ऐसे ले लेंगे, अगले दो फंदों को घटाते हुए एक जाली डालनी है साथ में, और दो का एक करना है। ये देखिए इस तरह से। अब अगला जो हमारा एक फंदा ये देखिए सीधा यहाँ पे आया, इसको हमने धागा अपनी तरफ करना है, और यहाँ पर इस फंदे को उल्टा बुनना है। तो अब हमारा एक दो फंदे यहाँ पे उल्टे हो गए, दो फंदे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे अगले, फिर से चार फंदे सीधे बुनेंगे। तो दो हो गए, तीन और एक ये चार, ये देखिए। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और अगले जो दो फंदे हैं इनको एक ऐसे सिलाई पे लेते हुए स्लिप करना है पहले दोनों फंदों को, फिर इस तरह से बैक लूप से इनको हमने जाली डालते हुए ऐसे बुन लेना है। एक फंदा घट गया और साथ में जाली के साथ हमारा फंदा बढ़ भी गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को स्लिप करेंगे राइट साइड वाली सिलाई पे लेते हुए, इन फंदों को फिर लेफ्ट वाली सिलाई पे ले लेंगे, और इनको जाली डालते हुए इन दो फंदों का एक बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद अगले यहाँ पर, अब पहले हमारे यहाँ पे दो फंदे यहाँ पे सीधे आए थे, तो अब यहाँ पे हो गए हमारे तीन फंदे लास्ट में। और ए स्टिच है इसको आप उल्टा बुने सीधा बुने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा ये सिलाई तीसरी ख़त्म हो गई, अब चौथी सिलाई हमारी सारी उल्टी आएगी फ्रेंड। तो आप इस सिलाई को उल्टा बुन लें, फिर हम पांचवी सिलाई पे आगे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स उल्टी सिलाई ख़त्म हो गई, और पांचवी सिलाई पे हम यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे जो ए स्टिच है इसको हमने स्लिप कर लिया, उसके बाद धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हमने चार फंदे सीधे बुने थे, अब हम यहाँ पे तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन आगे। उसके बाद अगले फंदे पे हम यहाँ पे जाली डालेंगे, और इन दो फंदों को इस तरीके से स्लिप करेंगे, और बैक लूप से बुनते हुए इसमें दोनों का एक करेंगे, और साथ में एक जाली भी डालेंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, फिर से आगे करेंगे धागा, और अगले दो फंदों को फिर से एक साथ बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी जैसे हमारे ये तीन सीधे फंदे तीन रह गए हैं, तो यहाँ पर उल्टे फंदे भी तीन हमारे होते चले जाएंगे। तो ये फंदे को भी हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, और दो हो गए, ये तीन हो गए, तीन हमारे यहाँ पे उल्टे फंदे हो गए। अब धागा आगे करेंगे, पीछे करेंगे, और अगले तीन फंदे सीधे बुनेंगे। सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पहले ये वाला पैटर्न यहाँ पे किया, वही आगे रिपीट करते जाना है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, और अगले दो फंदों को इस तरह से स्लिप करते हुए इनको लेफ्ट वाली सिलाई पे ऐसे लेंगे, और इनको एक साथ बुनते हुए जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे, फिर लेफ्ट वाली सिलाई पर लेंगे जाली डालते हुए दो का एक करेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले यहाँ पर तीन फंदे यहाँ पर भी ये देखिए उल्टे हैं, और आगे लास्ट में जो हमारा एक ए स्टिच है ये देखिए इस तरीके से। अब उल्टी सिलाई है हमारी, छवीं सिलाई उल्टी है, तो सारी सिलाई उल्टी है फ्रेंड्स। इसको आप कर लें, फिर आगे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसकी आगे सातवीं सिलाई पे, छह सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई। तो जो सातवीं सिलाई है ये ए स्टिच उतार लिया, उसका धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा,
फिर धागा पीछे करेंगे। अब हमारे यहाँ पे देखिए तीन फंदे थे, अब यहाँ पर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये दो फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली जो है हमारी अगले फंदे के साथ बनती चली जाएगी। इस तरीके से दो फंदों को स्लिप करेंगे और जाली डालते हुए इन दोनों का एक कर देंगे। उसके बाद धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदों को स्लिप करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट सिलाई पे लेके दो फंदों का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमारे बनेंगे चार फंदे उल्टे, तो एक दो तीन चार। अब धागा फिर पीछे करेंगे, यहाँ पे दो फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, अगले दो फंदों को एक साथ स्लिप किया, अब इनको बैक लूप में लेते हुए जाली डालते हुए घटाते हुए एक बना दिया दो का और एक जाली से बढ़ गया। अब धागा फिर आगे किया और इन दोनों को फिर एक साथ लिया और यहाँ पे ये देखिए ऐसे लेके बैक लूप से फिर से इनको एक साथ बुन लिया। धागा अपनी तरफ, अगले वही यहाँ पे हमारे लास्ट में पांच फंदे हो गए, ये लास्ट के पांच फंदे एक एस स्टिच। अब यहाँ पे आठवीं सिलाई उल्टी है फ्रेंड्स, आठवीं सिलाई उल्टी है तो इसको सारे को उल्टा बुनेंगे। अब इसकी हम नौवीं सिलाई पे आ गए फ्रेंड्स, तो नौवीं सिलाई में हमने पहला फंदा ऐसे उतार लिया, एस स्टिच अपना उतार लिया, उसके बाद धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, उसके बाद धागा पीछे किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा बुन दिया और धागा अपनी तरफ किया, अगले जाली हमारी यहाँ तक पहुँच गई है। देखिए ये इन दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से बुनते हुए फिर से धागा आगे किया, अगले दो फंदों को स्लिप किया, बैक लूप से बुनते हुए इन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए हमारी जाली यहाँ पे देखिए लास्ट में पहुँच गई है। अब हमने धागा आगे किया और आगे यहाँ पे हमारे पास हो गए, अब देखिए पांच फंदे, दो चार और ये पांच, पांच फंदे उल्टे हो गए। इन पांचों को हमने यहाँ पे उल्टा बुनना है और फिर धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ किया, अगले दो फंदों को इस तरीके से स्लिप किया। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये, बहुत सारे फ्रेंड्स को तो समझ भी आ चुकी होगी अब तक। इस तरीके से अगले दो फंदों को स्लिप किया, उनको दो का एक करते हुए एक साथ बुना, उसके बाद धागा आगे करेंगे और अगले सारे फंदे यहाँ पे जितने भी हैं आगे हमारे लास्ट में इनको हम उल्टा बुनेंगे और एस स्टिच को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। अब ये देखिए ये नौ सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई और एक लीफ जो है हमारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, एक लीफ यहाँ पे, एक पत्ती जो है यहाँ पे देखिए बनना बन गई यहाँ पर। अब उल्टी सिलाई सारी उल्टी है तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दसवीं ग्यारहवीं सिलाई में आपको मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे यहाँ पर ग्यारहवीं सिलाई पर, इसकी दस सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई। अब हमारा पैटर्न जो है यहाँ पर चेंज होगा, तो अब हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पे हमारा ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे आएगी और ये वाली जो है वो आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे कैसे करना है, ये पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुना, एक फंदा उल्टा बुन लिया, उसके बाद धागे को हम इधर ही रखेंगे। अब ये जाली जो है हमारी यहाँ पर आएगी, ये इस तरीके से लेंगे जैसे हम पहले बुन रहे थे, अब इस जाली को ही यहाँ पर डालेंगे, दो फंदों को एक साथ बुनते हुए बैक लूप से एक यहाँ पे जाली डाल देंगे ऐसे करके। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर से जाली डालते हुए इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, उसके बाद धागे को आगे करेंगे। अब ये एक फंदा देखिए हमारे पास है यहाँ पे, इसको हमने उल्टा बुनना है, इसको उल्टा बुन लिया, धागा पीछे किया। अब ये अगले पांच फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे जो हम यहाँ पे नीचे बुनते आ रहे थे, एक दो तीन चार और ये पांच। बस अब यही पैटर्न हम आगे भी रिपीट करते चले जाएंगे। तो ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सॉरी धागा इधर ही रहने देंगे और अगले जो यहाँ पे है आएगी, ये धागे को अपनी तरफ रखेंगे और
ये इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। अब ये जाली हमारी आगे चली जाएगी। यहाँ से धागा हम अपनी तरफ करेंगे और अगले दो फंदों को फिर से लेफ्ट पे लेते हुए बैक लूप से इस तरीके के एक साथ बुनेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और अगले पांच फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। ओके, और एक ये पांच फंदे सीधे हो गए। उसके बाद एक फंदा उल्टा और आगे एस स्टिच है उसको मैं सीधा बुन रही हूँ, तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई 11वीं सिलाई। अब उल्टी सिलाई सारी उल्टी है फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट करके फिर हम आगे 13वीं सिलाई में मिलते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसकी आगे 13वीं सिलाई में यानी 13th रो में, तो इसमें हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये फंदा हमने स्लिप किया एस स्टिच, उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे जाली आ गई है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस जाली को सीधा बुनना है। एक फंदा यहाँ पे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अगली जो अगले दो फंदे हैं उनको उसी तरीके से स्लिप करते हुए ऐसे स्लिप किया हमने। उसके बाद इन दोनों को दूसरी सिलाई पे लेते हुए इस तरीके से जाली डालते हुए सेम वैसे ही एक जाली यहाँ पे डालनी है हमें। ये देखिए एक जाली हमने यहाँ पे डाल दी, धागा अपनी तरफ, अगले दो फंदों को यहाँ पे उल्टा बुनना है। अब यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे ये जो लीफ है यहाँ बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम चार फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, अगले दो फंदों को स्लिप करेंगे इस तरह से और इनको ऐसे लेते हुए दूसरी सिलाई पे और पीछे से जाली डालेंगे ऐसे करके और एक फंदे को घटा देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, अगले दो फंदों को फिर से स्लिप करेंगे और फिर से अगली सिलाई पे ऐसे लेते हुए लेफ्ट साइड वाली निडल पे लेते हुए इनको फिर से घटा देंगे बैक लूप से। तो देखिए यहाँ पे जाली हमारी आगे बढ़ती जा रही है। धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले दो फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे, यहाँ पे फिर चार फंदे हमारे सीधे, तीन हो गए और एक ये चार हो गए। अब यहाँ पर दो फंदे हमारे पास उल्टे और फिर धागा पीछे, एक लास्ट एस स्टिच, इसको हमने सीधा बुन लिया। तो ये हमारी 13th रो ख़त्म हो गई, यानी 13 सिलाइयाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब 14वीं सिलाई सारी सिलाई उल्टी है, इसको हमने उल्टा बुनना है। फिर 15वीं सिलाई पे आपको फिर से मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 14 सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई। अब हम आ गए यहाँ पे 15वीं सिलाई पे यानी 15th रो पे, तो उसको हमने ऐसे कैसे बुनना है। पहला फंदा जो है इसको हमने स्लिप कर दिया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब धागे को जो है ना अपनी तरफ ही रखेंगे और जो अगला फंदा है उनको इस तरीके से स्लिप करेंगे दो फंदों को, और दो का हम एक करेंगे यहाँ पे और एक जाली डालेंगे। जैसे हम पहले दो को डाल रहे थे, अब एक की डालनी है यहाँ पे। ये यहाँ पे दो फंदों का एक कर दिया और एक यहाँ पे हमने जाली डाल दी। एक फंदा यहाँ पे एस स्टिच है, इसको उतार लिया, एक उल्टा बुना, एक जाली डाली और दो का एक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे धागा आगे करेंगे और यहाँ पर तीन फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये जो लीफ है इसको यहाँ पे सेट करना है, तो जाली जो है उसी हिसाब से हम यहाँ पे सेट करते चले जाएंगे। तो उसके बाद अगला जो है यहाँ पर तीन फंदे यहाँ पे सीधे, तीन फंदे उल्टे बुन लिए, अब तीन फंदे यहाँ पर सीधे हो गए, तीन हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, अब ये दो फंदों को इस तरह से स्लिप करते हुए लेफ्ट निडल पे लेते हुए इन दोनों का एक बनाएंगे और साथ में जाली डालेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, अब ये दो फंदों का एक करेंगे और जाली डालते हुए यहाँ पे दो का एक बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ, अगले यहाँ पे तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, यहाँ पे तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे।
तीन फंदे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे स्टिच। देखिए इस तरह से अब 15 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई, 15th रो ख़त्म हो गई। अब हमारी 16th रो जो है वो उल्टी है, 16वीं सिलाई उल्टी है, तो उसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर हम 17th रो पे आपको मिलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स हम आगे यहाँ पे 17th रो में यानी 17वीं सिलाई में, तो यहाँ पे कैसे करना है ये देखिए। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, उसके बाद एक फंदा उल्टा, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे अब हमारे चार फंदे उल्टे आएंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर हमारी जाली जो है वो ख़त्म हो गई, जो हमारी ये वाली लाइन चल रही थी ना जाली की, वो ख़त्म हो गई यहाँ पे। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर दो फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अगले दो फंदे उसी तरीके से जाली डालते हुए हमारा इन दोनों को स्लिप करेंगे और ऐसे बैक लूप से जाली डालते हुए दो का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर दो का एक करते हुए एक जाली डाल देंगे और ये जाली हमारी अभी आगे चलती चली जाएगी। फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पे चार फंदे उल्टे, यहाँ पे चार फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे फ्रेंड्स और तीन फंदे, सॉरी यहाँ पे दो फंदे सीधे। उसके ये जो यहाँ पे दो फंदे हैं हमारे, इनको हमने यहाँ पे जाली डालनी है, तो ये धागे को हम यहीं रखेंगे और इन दोनों को एक साथ स्लिप करते हुए, सॉरी ये यहाँ पर एक फंदा यहाँ पे उल्टा और धागे को अपनी तरफ और इन दोनों को आपस में स्लिप करेंगे और इन दोनों का एक कर देंगे और यहाँ पे हमारी जाली डल गई। धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा और स्टिच को हम ऐसे बुन लेंगे। अब हमारी जो 18वीं सिलाई है, 18वीं सिलाई यहाँ पे 18th रो जो है उसको सारी को हमने उल्टा बुनना है। ये पैटर्न हमारा इस तरह से बन गया। अब उल्टी रो सारी ख़त्म करने के बाद फिर आप यहाँ पे दोबारा से यही डिज़ाइन आप यहाँ से जो हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी उसको ही आप यहाँ से स्टार्ट करें उसी तरीके से, तो हमारा ये पैटर्न, आपका ये पैटर्न इसी तरह से बनता चला जाएगा और ये देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आप इसको लाइट कलर में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स और डार्क वूल में भी डाल सकते हैं, जो भी आप जिसमें भी आप डालना चाहते हैं उस तरीके से आप डाल सकते हैं और बहुत ही ईजी है ये इसको बनाना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।